देखिए खिलाफत कमेटी जो है वो आज फॉर्म नहीं हुआ, 1919 में यहाँ कलकत्ता में फॉर्म हुआ। क्विट इंडिया मूवमेंट का जब गांधी जी ने डाक दिया था, आवाज़ उठाई थी, तो खिलाफत ने भी इसमें संग्राम में हिस्सा लिया था और बहुत महत्वपूर्ण काम किया था। गांधी जी यहाँ पर आए हैं, बैठे इस चेयर में क्या नाम है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बैठे हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस बैठे हैं इस चेयर में, क्या नाम है, हर एक व्यक्ति जो क्या नाम है लोगों के लिए काम किया, जो देश के लिए आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ा है, चाहे बांग्लादेश की आज़ादी के लिए बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान हो, वो भी इस चेयर में बैठे हैं। तो आज ये चेयर यहाँ से एक संदेश देता है कि हम लोगों के लिए काम करने के लिए पाबंद हैं, वो काम हम लोग कर रहे हैं। और इस काम में हम लोगों को कलकत्ता कॉरपोरेशन ने मदद दी है, मेयर फिराज हकीम ने नहीं बल्कि ममता बनर्जी ने इस ज़मीन को सुब्रत मुखर्जी को बोल के दिलवाया था, और इसमें बिल्डिंग का प्लान अभी सेंक्शन कराने में हेल्प कर रहे हैं हमारे म्यूटेशन, और इसको कर दिए म्यूटेशन वगैरह हेल्प कर दिया फिराज हकीम ने, और प्लान का भी हेल्प कर रहे हैं फिराज हकीम। ये हो जाने से हम लोग नया बिल्डिंग होगा, उसके तहत ही हम लोगों को जोड़ने की काम करेंगे, गरीबों के बीच रह कर काम करेंगे, गरीबों के लिए काम करेंगे। खिलाफत अपना जो इतिहास है मेलबंधन का, वो मेलबंधन का इतिहास को आगे लेके जाएगा बढ़ेगा। ये देखिए बहुत पुरानी है और बड़ी खिदमत है, खास तौर से आज़ादी के पहले और आज़ादी जंग आज़ादी ने अपना बहुत बड़ा किरदार अदा किया है आज़ादी के उसूल में, जिसमें यहाँ के तमाम लोग सारे हिंदू मुसलमान सब मिलकर इस खिलाफत मूवमेंट को चलाए थे। आज उसी खिलाफत मूवमेंट का ये हिस्सा है जो खिलाफत कमेटी की शिकल में यहाँ मौजूद है। आज भी इससे बड़े बड़े काम हो रहे हैं और मुसलमानों के लिए भी, खासतौर से बंगाल के लोगों के लिए खिलाफत कमेटी बहुत काम कर रही है। आप जो खिलाफत कमेटी में एक जमाने रेड रोड में नमाज पढ़ाते, इससे पहले भी किसी ने नमाज पढ़ाया था क्या, थोड़ा इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी बताओ। रेड रोड में बहुत से लोगों ने नमाज पढ़ाया, उसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी थे, उसी वजह से उनका लकब इमामुल हिंद पड़ा, वो सबसे पहले यहाँ रेड रोड के इमाम थे, इसलिए उनका खिताब जो है वो इमामुल हिंद रखा गया। और उसके बाद भी मौलाना अबू सलमा शफी इमाम थे, और उनके इंतकाल के बाद मौलाना मासूमी साहब थे, मासूमी साहब के बाद से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं 29 साल से नमाज पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, ये पहले ये शहीद मीनार में हुआ करता था जहाँ तक हमको मालूम है। जी जी, और इसके बाद ये रेड रोड खराब हो गया, शहीद मीनार में कीचड़ काला हो जाने की वजह से, मैदान खराब हो जाने की वजह से वहाँ पर स्टैंड वगैरह कर दिया गया था, इसलिए लोग सब नहीं लगा सकते थे, बारिश में कीचड़ हो जाता था, इसलिए हुकूमत ने कोशिश करके रेड रोड में जगह दिलवाई, आर्मी ने इस सिलसिले में बड़ा किरदार अदा किया। जी, अदालत तो बहुत पुराना है और बहुत आज़ादी के टाइम में बहुत इसने काम किया, लेकिन अभी ये कमेटी बनी है जिसके सदर और सेक्रेटरी और तमाम मेम्बरान नए पुराने सब चेंज हुए हैं, दो चार पुराने रह गए हैं। ये उम्मीद है कि काम अच्छा होगा, जावेद भाई वगैरह हैं और खासकर नासिर भाई वगैरह हैं और मंसूर भाई पुराने हैं और भी बहुत सारे साथी हैं, फैसल भाई हैं, तो उम्मीद है कि काम इंशाल्लाह बेहतर होगा। अब सबसे पहला काम तो वो जगह जो कॉर्पोरेशन में मेयर जो थे हमारे सौरतो बाबू ने दिया था, अब उसको प्लान वगैरह जावेद भाई ने कहा बन जाता है, उसके बाद काम इंशाल्लाह बेहतर होगा और कोशिश कर रहे हैं लोग कि और बेहतर हो। ये फैसल भाई ये बताए कि जो जगह मिली है वहाँ पर आप लोगों का क्या प्लान है करने का? वहाँ हम लोग सारा वो पहले तो मीटिंग बनाएंगे जिसमें सारा सोशल काम जो है उनका ज़्यादा हम लोग का फोकस रहेगा, जो है वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, औरतों को लेकर ज़्यादा हम लोगों का सोच है और काम भी रहेगा, क्योंकि ये प्रेरणा हम लोग की दीदी ममता बनर्जी से हम लोग को मिला है, और भी मैं दिगर जगह पर काम कर रहा हूँ, यहाँ पर औरतों का जो है योगदान हो सकता है और
विशेष एरिया में जो है औरतों के लिए उतना फैसिलिटी नहीं है, इसलिए हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि मिलावट जो है औरतों के हक में ज़्यादा बढ़ चढ़ के काम करें, और उन लोग के लिए जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स है, स्विम क्लासेस है और कंप्यूटर क्लासेस है, ये सब हम लोग मुहैया करेंगे।